नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास प्रोग्राम टॉप 9 में। जी हाँ दोस्तों, मैं जानती हूँ आप सभी इस प्रोग्राम का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अरे भाई, इंतजार हो भी क्यों ना, बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 9 मजेदार खबरें जो आपको जानने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही खबरें जो इस टाइम टॉप 9 पोजीशन पर अपनी जगह बना चुकी हैं। तो और इस प्रोग्राम में आपको यही जानने को मिलेगा जो इस समय टॉप 9 खबरें जो काफ़ी ज़्यादा पूरे देश भर में चर्चाओं में हैं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नज़र आज की हमारी टॉप 9 मजेदार खबरों पे। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी फिल्म कलंक को लेकर काफी ज्यादा खबरों में बनी हुई है। अरे भाई, खबरों में होंगी भी क्यों नहीं, इस फिल्म में वो कई सालों बाद संजय दत्त के साथ जो नजर आने वाली है। वहीं हाल ही में फिल्म के सेट से माधुरी दीक्षित का लुक भी लीक हो गया था जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन हाल ही में माधुरी ने मराठी फिल्म बकेट लिस्ट से डेब्यू किया था, लेकिन माधुरी ने इस बार चंद पैसों के लिए जो काम करने जा रही हैं उसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। अरे अरे, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल माधुरी दीक्षित हिंदी फिल्म की प्रोड्यूसर बनने जा रही हैं। जी हां, दरअसल माधुरी के मन में प्रोड्यूसर बनने की इच्छा जागी है। इन दिनों वो मराठी फिल्म का प्रोड्यूस कर रही हैं। मराठी फिल्म के बाद अब हिंदी फिल्मों की प्रोड्यूसर बनना चाहती हैं माधुरी दीक्षित। बता दें, मराठी फिल्म 15 अगस्त माधुरी की प्रोडक्शन हाउस के तले बन रही है, जिसके बाद अब खबर सामने ये आई है कि माधुरी दीक्षित हिंदी फिल्मों को प्रोडक्शन में भी इंटरेस्ट दिखा रही हैं। इतना ही नहीं, माधुरी ने तो अपनी टीम के साथ हिंदी फिल्म के प्रोडक्शन पर डिस्कशन भी करना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड में सीरियल किसर के नाम से जाने जाने वाले मशहूर एक्टर इमरान हाशमी अब अपनी अपकमिंग फिल्म में इस एक्ट्रेस को जबरन किस करने वाले हैं। जी हां, दरअसल इमरान हाशमी बॉलीवुड में एक ऐसी एक्ट्रेस को डेब्यू करवाने जा रहे हैं जिसका नाम आप सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाएंगे। जी हां, आपको बता दी, एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि साउथ इंडियन फिल्मों की एक्ट्रेस वेदिका कुमार है। जानकारी के लिए बता दें, वेदिका फिल्म द बॉडी के साथ बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। उनका कहना है कि वो बॉलीवुड में डेब्यू के लिए अच्छे प्रोजेक्ट का इंतजार कर रही थी। साथ ही मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने सही प्रोजेक्ट का इंतजार किया और ये मेरे लिए बिल्कुल सही है। बता दें, वेदिका ने कहा, इमरान हाशमी इतने शानदार एक्टर हैं और मैं उनके साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वहीं अगर बात की जाए इमरान हाशमी की, तो बता दें इमरान हाशमी पिछले काफी वक्त से उनकी कोई फिल्म बॉलीवुड में आई नहीं थी। वहीं पिछले दिनों उनकी बॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं चली थी, लेकिन उनकी फिल्मों के गाने काफी ज्यादा हिट होते हैं। वहीं फैंस भी अब काफी बेसब्री से इमरान हाशमी की फिल्मों का इंतजार करते हैं। इमरान हाशमी वैसे तो बॉलीवुड के सीरियल किसर माने जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी फिल्मों के गाने इतने ज्यादा हिट हो जाते हैं कि सालों साल तक उनकी फिल्मों के गानों को याद रखते हैं। और अब वहीं इमरान हाशमी के फैंस उनकी फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब देखना यह है कि इमरान हाशमी और साउथ इंडियन एक्ट्रेस वेदिका बॉक्स ऑफिस पर मिलकर क्या धमाल मचाते हैं। ये इमरान हाशमी की फिल्म हिट हो पाती है या फिर नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म संजू के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने बेहतरीन तरीके से संजय दत्त की जिंदगी को पर्दे पर उतारा। लेकिन हाल ही में रणबीर कपूर के ट्रेलर लॉन्चिंग के मौके पर रणबीर से पूछा गया कि उनकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, तो उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया और इस बात का खुलासा उन्होंने खुद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सोनम कपूर के सामने ही अपनी पूरी पोल खोल दी। जी हाँ, आपको बता दें, 35 साल के रणबीर कपूर ने बताया कि उनकी अभी तक 10 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। संजय दत्त की लाइफ से रिलेट करने पर रणबीर कपूर ने कहा, इस मामले में मैं अभी बहुत पीछे हूँ क्योंकि मेरी तो अभी तक 10 से भी कम गर्लफ्रेंड्स हैं और संजय दत्त की तो 305 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, रणबीर आगे कहते हैं, मुझे प्यार करना पसंद है, मैं रोमांटिक भी हूँ लेकिन मैं ठरकी नहीं हूँ। रणबीर को रोमांटिक फिल्में करना पसंद है। बता दें, रणबीर इस फिल्म में अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड सोनम कपूर के साथ नजर आएंगे और इस बात का खुलासा खुद रणबीर कपूर ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सोनम कपूर के सामने ही अपनी पोल खोल दी। 7 साल के फिल्मी करियर में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अर्जुन कपूर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा अर्जुन कपूर क्या काम करने वाले हैं,
तो चलिए आपको बिना देरी किए बता ही देते हैं। जी हाँ, दरअसल अर्जुन कपूर अपनी एक फिल्म के लिए गंजे यानी कि टकले होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आशुतोष गोवारिकर निर्देशित फिल्म पानीपत के लिए अर्जुन कपूर अपने बाल मुंडवाएंगे। खबरों की माने तो एक्टर के लिए अपने बाल मुंडवाना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि ये उनकी अपीयरेंस को अट्रैक्ट करता है। हालांकि अर्जुन ने ये रिस्क उठाने का फैसला किया है, क्योंकि वो फिल्म में अपने हिस्से को रियल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। फिल्म पानीपत का अब तक सिर्फ एक पोस्टर रिवील किया गया है। जानकारी के लिए बता दें, अर्जुन कपूर के 7 साल के फिल्मी करियर में ये पहली बार होगा जब अर्जुन कपूर अपना सिर मुंडवाने जाएंगे। ये फिल्म 18वीं सदी के पानीपत के युद्ध पर आधारित होगी। वेल, आपको बता दें, अर्जुन कपूर के फैंस भी अब उनको इस फिल्म में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। होंगे भी क्यों नहीं, वो अर्जुन कपूर को पहली बार एक गंजे के रूप में जो देख पाएंगे। बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन डांसर ऋतिक रोशन ने सलमान खान से उनकी हीरोइन छीन ली। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें एक्ट्रेस दिशा पाटनी की। ये तो आप सभी जानते हैं कि दिशा पाटनी अब सलमान खान के साथ फिल्म भारत में दिखाई देने वाली हैं। लेकिन वहीं अब दिशा पाटनी ऋतिक रोशन के साथ भी जल्दी बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाली हैं। और दिशा पाटनी के हाथ ये 2 बड़े प्रोजेक्ट लग गए हैं। इससे तो यही लग रहा है कि दिशा पाटनी की धीरे धीरे किस्मत खुलती जा रही है। खबरों की माने तो दिशा को इस फिल्म भारत के अलावा एक और बड़े बजट की फिल्म मिल चुकी है। दिशा को ऋतिक रोशन के अपोजिट एक फिल्म के लिए साइन किया गया है। इस फिल्म को रोहित धवन डायरेक्ट करेंगे। वहीं इस फिल्म के निर्माता साजिद नाडियाड वाला होंगे। खबरों की माने तो ऋतिक इस फिल्म में काम कर रहे हैं और वो इस फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश में थे। इसके लिए उन्होंने दिशा पाटनी को अप्रोच किया था। अभी तक कागजी तौर पर काम नहीं हुआ, लेकिन अभी इस फिल्म को लेकर बात हो रही है और दिशा इस फिल्म के लिए हामी भर चुकी हैं और अगले महीने तक सब कुछ फाइनल भी हो जाएगा। इस फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट जून या फिर जुलाई के महीने में की जाएगी। बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म वीरा दी वेडिंग का लोग काफी बेसब्री से इंतजार करते दिखाई देते हैं, लेकिन फैंस का भी इंतजार बस कुछ ही देर का है। जी हां, आपको बता दें, ये फिल्म 1 जून को रिलीज होने जा रही है। वहीं गर्ल गैंग सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, शिखा तलसानी और करीना कपूर खान जमकर अपनी फिल्म का प्रमोशन भी करते दिखाई दिए थे। और अब हाल ही में मुंबई में फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के कई स्टार्स ने शिरकत की, लेकिन इनमें से एक खास फोटोज काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन इस दौरान एक हैरान कर देने वाली बात ये देखी गई कि फिल्म के लीड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इस अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंची ही नहीं थी। जी हां, आखिर करीना कपूर खान की इस इवेंट में ना हिस्सा लेने की वजह क्या रही, इस बात का तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन ये काफी चौंकाने वाला था कि करीना कपूर अपनी ही फिल्म की स्क्रीनिंग में नहीं दिखाई दी। करीना के अलावा फिल्म की बाकी पूरी कास्ट थी, लेकिन करीना कपूर कहीं भी नजर नहीं आई। वेल, करीना क्यों नहीं आई वो तो वही जानती होंगी, लेकिन अगर बात की जाए फिल्म की तो बता दें, फिल्म काफी बोल्ड है। इस फिल्म में ये 4 हीरोइंस ने अपना काफी बोल्ड अंदाज दिखाया है। साथ ही साथ फिल्म में गंदी गालियों का भी काफी इस्तेमाल किया गया है और फिल्म का ट्रेलर और कुछ गाने रिलीज किए जा चुके हैं, जिसे देखने के बाद फैंस के दिलों में इस फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब आपका इंतजार बस खत्म ही होने वाला है, क्योंकि ये फिल्म 1 जून को यानी कि कल रिलीज होने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म रेस 3 को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होने जा रही है। वहीं बॉलीवुड में सलमान खान कई लोगों के बर्बाद करियर को भी संवारते दिखाई देते हैं। सलमान खान को बॉलीवुड में लोगों का करियर संवारने के लिए भी जाना जाता है, और एक बार फिर से सलमान खान एक शख्स का करियर संवारने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे सलमान की गिनती बॉलीवुड के उन सेलेब्स में से होती है जो नए टैलेंट को लॉन्च करते हैं। बात चाहे आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली की हो, या फिर सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी की हो, या फिर बहन अर्पिता खान के पति आयुष शर्मा की ही बात क्यों ना हो। और अब सलमान खान एक और नए टैलेंट को मौका दे रहे हैं। इसकी जानकारी खुद सलमान खान ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर करी है। तो हम आपको बता दें कि ये जहीर इकबाल है, जिन्हें जहीर रतनसी के नाम से जाना जाता है। जहीर के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन जहीर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर सलमान के जन्मदिन के मौके पर ये तस्वीर शेयर की थी। वो मशहूर ज्वेलर के बेटे बताए जाते हैं।
वेल, अब देखना यह है कि सलमान खान के नए टैलेंट बॉक्स ऑफिस पर या फिर जहां भी लॉन्च होते हैं वहां पर क्या धमाल मचाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में संजय दत्त की बायोपिक संजू का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी पसंद भी किया। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर फिल्म की पूरी कास्ट वहां मौजूद रही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली थी कि रियल लाइफ के संजय दत्त अपनी बायोपिक का ट्रेलर देखने पहुंचे तक नहीं। जी हां, अब इसकी वजह क्या है ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल संजय दत्त इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी हैं, और हाल ही में तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि संजय दत्त की फिल्म टोरबाज का फिल्म की शूटिंग चल रही है। संजय दत्त ने कार्गिस्तान में टोरबाज का मेजर शेड्यूल पूरा कर लिया है। 30 दिन का ये शेड्यूल काफी खतरनाक मौसम के बीच पूरा किया गया, और इसी वजह से वो अपनी बायोपिक यानी कि फिल्म संजू का ट्रेलर लॉन्च पर पहुंच नहीं पाए। वहीं अगर बात की जाए संजय दत्त की फिल्म संजू की, तो बता दें इस फिल्म में रणबीर कपूर ने काफी बेहतरीन एक्टिंग करी है। उनको देखकर ये कोई भी अंदाजा लगा ही नहीं सकता कि ये वाकई वही रणबीर कपूर है जो अब इस टाइम संजय दत्त की तरह बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। कोई पहचान ही नहीं पा रहा कि ये रणबीर कपूर है या फिर संजय दत्त। हाल ही में ऋषि कपूर ने भी जब अपने बेटे की फिल्म का ट्रेलर देखा तो वो भी अपने बेटे को पहचान ही नहीं पाए थे, और उन्होंने भी अपने बेटे को पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। वेल, अब इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद फैंस के दिलों में इस फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब देखना यह है कि ये फिल्म जब रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करती है और लोगों के दिलों में अपनी एक छाप छोड़ पाती है या फिर नहीं। जानवी ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है। अरे, ये जानवी कपूर नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की भाभी जानवी धवन है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में वरुण धवन चाचा बन गए हैं। दरअसल हाल ही में वरुण धवन के भाई और फिल्म मेकर रोहित धवन की पत्नी जानवी देसाई धवन ने एक बेटी को जन्म दिया है। हालांकि परिवार की ओर से अभी इस बारे में कोई बयान नहीं आया, लेकिन खबरों के मुताबिक ये सच है कि जानवी धवन ने एक हेल्दी बेटी को जन्म दिया है। खबरों की माने तो परिवार के अंदर जश्न का माहौल है और जल्दी बच्चे को घर लाने की तैयारी चल रही है। बच्चे के जन्म के बाद परिवार एक बिग पार्टी की भी तैयारी करने का मन बना रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ टाइम पहले डेविड धवन के घर बहू जानवी की बेबी शावर पार्टी यानी कि गोद भराई की रस्म रखी गई थी। उस दौरान इंडस्ट्री के कई सेलेब्स इस पार्टी में मौजूद हुए थे। इसके बाद अब जब परिवार में नन्हे कदमों का प्रवेश हो ही गया है तो यकीनन बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में सेलेब्स का फिर एक बड़ी पार्टी का हिस्सा बनने का मौका पास ही आ रहा है। वेल दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी टॉप 9 मजेदार खबरें। जी हाँ दोस्तों, ये वो खबरें जो इस टाइम टॉप 9 पोजीशन पर अपनी जगह बना चुकी हैं, और इन दिनों इन टॉप 9 खबरों के हर जगह चर्चे हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, लेकिन एक वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा। जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी बी टाउन की और भी कुछ मजेदार टॉप 9 खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।